हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? सो टुडे बेसिकली वी आर गोइंग टू राजघाट। सो भैया उधर होंगे, उसको अपना नया बाइक लेना है। तो बेसिकली आज का जो व्लॉग है सिंपल है, आज बेसिकली भैया को अपने एक व्लॉग लेना है। सो कौन सा बाइक है? इट इज़ अ वेरी गुड बाइक। मैंने एक्चुअली बोला था उनको डैड यही बाइक खरीदने को, तो उसने बोला हाँ मैं खरीदता हूँ यार, तो अच्छा रहेगा, तो उसने परचेज कर लिया। आज डिलीवरी है। तो बेसिकली अब यहाँ से हम लोग जाएंगे कावासाकी की शोरूम में। उसने कावासाकी का कौन सा बाइक लिया है, हम उधर ही जाएंगे, वहाँ से पता लगाएंगे कौन सा बाइक लिया है, ठीक है? So, as for you in the morning, that कैसे आप सब लोग? Welcome back to my channel, RJ Biker. I hope that all of your days are going great. So, I'm using a 2K revolution in my camera today. It's quite great, yaar. आज का Sunday morning ride था, हम वो नहीं करे, आज का दोपहर का ride है हमारा। तो लंच हम बाहर ही करेंगे दिल्ली में ही। अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं पता, मैंने नया राइडिंग पैंट्स लिए। कैसा लगा ये? बहुत अच्छा है यार, मतलब अब नी पैच का कोई भी झंझट है नहीं अब। तो ये तो काफ़ी अच्छा है, अब झंझट है नहीं नी पैच का। अब मतलब आराम से अब मैं खुल के ड्राइव कर सकता हूँ। मुझे को असमें ना नी पैच का प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना, मुझे दैट बार बार मुझे को ना नी पैच संभालना था, कभी बैठना था तो नी पैच का बहुत प्रॉब्लम होता था मुझे। तो इसलिए यार मैंने फैसला किया यार ये नया खरीदने को राइडिंग पैंट्स। एक्चुअली मेरे साइज का कुछ मिल नहीं रहा था, पर फाइनली मिल गया तो अच्छा है यार। तो अब काफ़ी टाइम के बाद मैं राइड कर रहा हूँ, एक संडे राइड। पिछले संडे को मैं नहीं गया, मैं एक्चुअली पिछले संडे को गया, पर मैंने कोई वीडियो शूट किया नहीं उधर। क्यों? बिकॉज देखो यार उधर कुछ था नहीं शूट करने लायक, तो मैंने शूट किया ही नहीं उधर, बिल्कुल नहीं किया। मुझे ऐसा लगा यार क्या क्या कंटेंट आने वाला, कोई भी कंटेंट नहीं आने वाला उसमें, तो इसलिए मैंने वीडियो शूट किया ही नहीं उसमें। तो अब यह है दैट अब हम लोग जाएंगे दिल्ली। अभी बज रहे हैं 11:31, दैट मीन्स 11:30 हो रहा है अभी दोपहर की। अच्छा, कैमरा क्वालिटी इम्प्रूव हो चुका है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल देना दैट ये कैसा लग रहा है आपको। ये बिल्कुल ही मतलब कोई भी शेकीनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं। आप कमेंट सेक्शन में बताओ यार ये कैसा लगा आपको। साउंड क्वालिटी बिल्कुल इम्प्रूव हो चुका है मेरा, अब कोई कंप्लेन नहीं है। अब जैसे हवा का आवाज़ आ रहा है वो नहीं आ रहा है। अब बस मुझे को जो करना है इसमें, अब मुझे को तीन काम करने हैं इस बाइक में। अब एक मुझे को इसमें लेना है ऑक्टेन बूस्टर। क्यों? बिकॉज अब मैं गोवा जाने वाला हूँ, बस मुझे को अब 7 days हो गए हैं गोवा जाने के लिए, बस 7 days बचे हैं, अब गोवा जाऊँगा। तो उसके लिए मुझे को ऑक्टेन बूस्टर चाहिए, और साथ में बीच में एक छोटा सा सर्विस होगा अपना जूस का। बट मुझे को एक चीज़ का दुख है इसमें, आप लोगों को पता है ना, मेरा पिछले व्लॉग में मैं गया था एक शोरूम में, मैंने कुछ वीडियो शूट किए थे। अगर आपको पता है मैं हार्ले के शोरूम में गया था, और मैंने एक पर्टिकुलर बाइक पर बोला आई लव दिस बाइक। अगर आपने मेरा हार्ले वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको सब समझ में आया होगा दैट मैं कौन सा हार्ले की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली यार वही अच्छा लगा मुझे। Into my heart. Oh, you
Okay guys, so we have reached now. Sorry भैया थोड़ा सा देरी हो गया. ओह आज तो यार भाई देरी कैसे हो गया हम लोगों को. ओके सो नाउ वी आर लीविंग, ऑल ऑफ आवर राइडर्स हैव कम. अब हम लोग जा रहे हैं कावासाकी शोरूम में भैया की नया बाइक पिकअप करने के लिए. भैया उधर ही खड़े हैं, सो हम जाते हैं नया बाइक खरीदते हैं और उसका नया वीडियो, ठीक है, वीडियो ने मतलब उसकी नया बाइक खरीदते हैं और चलते हैं. ऐसा भैया ने नया हेलमेट भी लिया हुआ है, काफ़ी अच्छा है यार. तो चलो अब हम लोग चलते हैं. देखो, लेकिन तो कॉलेज से क्या होने?